Two blocks in the position shown in the figure are released on the wedge. Find out acceleration of both blocks and normal reaction force between them. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आप ध्यान से समझना होगा बेटा आपको एक चीज, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में एक चीज आपको ध्यान में समझनी होगी। जैसे मान लो ये कोई आपका इस तरह से एक कॉर्नर था एक, ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक रख दिया आपने इससे ऐसे टिका, ठीक है। नहीं आप किसका के रख देते ना घरों में एकदम कोने में एक बॉक्स रख दिया बड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो दो सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में आ रही है इस तरह की, आप ये बोल, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रेंडम पिक्चर में नहीं आता। तो क्लियर है कि यहाँ पर आप इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे जाओगे तो आप ऊपर पुश करोगे तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर आ रहा है, एमजी इधर आ रहा है। ये फोर्स अभी नहीं लगा रहे हो, ठीक है। अभी जस्ट आपने रखा है इसको यहाँ पर, तो ये कोई अभी है नहीं, आपने रख के छोड़ गए आप चले गए, ठीक है ना। फिर कोई फिजिक्स पढ़ने वाला आ रहा है वो उसका एफबीडी ड्रॉ करना चाह रहा है, वो एनपी लगा रहा है, एमजी लगा रहा है, तो क्या वो रखे हुए ब्लॉक पर ये नॉर्मल रिएक्शन भी लगाता है कि एक बार जवाब देना सोच के अपनी इनसाइट से, क्या वो ये नॉर्मल फोर्स भी लगाया है? कॉन्टेक्ट सरफेस दिख रही है ना, वो कहेगा आपने कहा कॉन्टेक्ट सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो जाके इसको पुश करेगा इस तरीके से तो उसका एफबीडी सही हो जाएगा। कैसा पॉसिबल है? इधर से नॉर्मल रख रहा बॉक्स चुपचाप रखा हुआ, ठीक है, बताइए ऐसा पॉसिबल है कि बॉक्स चुपचाप रखा हुआ और यहाँ से नॉर्मल रख रहा है तो ऐसे रखा रह सकता है? चल देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या है ये नॉर्मल फोर्स जीरो है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्ट सर्फेस देखी और वहां पे नॉर्मल आए, ठीक है ना। कब आएगा नॉर्मल यहाँ से? जब यहाँ से कोई धक्का देने वाला होगा तो बिल्कुल आएगा, वो किसी को यहाँ से धक्का दे रहा है इस तरीके से जैसा ये फोर्स बना हुआ है, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा, ये ग्राउंड से भी तो इसलिए आता है, एमजी हटा दीजिए ग्राउंड से, कोई नॉर्मल रिएक्शन है तभी तो आपका जो लिफ्ट में आप जाते, चलो बाद में बात करेंगे, स्लो फोर्स से एक्सप्लेन करेंगे उसे, लिफ्ट की बात, वहां पे रीडिंग जीरो आती है वहां पे भी ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए। अभी यहाँ देखिए आपके, आपने इसको यहाँ से फोर्स से इसको कंप्रेस किया, इधर धक्का दिया तो फिर यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एफ के बराबर है, बट ये नहीं है अगर तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं, तो सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है ना। आप देखो एक बार बिना, देखो आपका नॉर्मल तरीके से करोगे एफ इक्वल्स टू एम ए सब तो भी आपका नॉर्मल अपने आप जीरो आ जाए, ठीक है ना। तो आ जाना चाहिए था, हितेंद्र और लक्षित का आया नहीं अभी, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस प्रॉब्लम को कि पहले तो देखो अगर नॉर्मल रिएक्शन आप मान के चलोगे ठीक है, पहले मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपको नहीं पता कुछ भी, आप बिल्कुल एफ इक्वल टू एम ए लगा के करते हैं अगर, ठीक है, तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि आप कह रहे नॉर्मल रिएक्शन है आपको निकालनी है तो दोनों साथ चलेंगे, अब दोनों साथ चलेंगे तो आप एक साथ सिस्टम ले सकते हो। तो क्या निकल के आता है आपका, एम वन प्लस एम टू जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वन प्लस एम, दोनों को एक साथ ले लें। तो आप ध्यान रखें हमेशा इस चीज का शगुन की, आप जब भी बेटा सिस्टम लेंगे ना एफ इक्वल टू एम ए के लिए तो हर पॉइंट का सिस्टम के एक्सेलरेशन सेम होगा, उसी को आप सिस्टम ले सकते हैं। आ रही है बात समझ में शगुन आपको? यस सर। हाँ, तो आपने इसको एक साथ सिस्टम माना तो अब कौन से फोर्स आ गया अलोंग द इंक्लाइन, क्लियर है आपको, यही फोर्स आएगा बस अलोंग द इंक्लाइन और कोई फोर्स नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखो कैसा भी इंक्लाइन है बेटा, ऐसा वाला इंक्लाइन है तब भी अलोंग द इंक्लाइन क्या है एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या है एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो आपका एम वन प्लस एम टू जी साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया एम वन प्लस एम टू इन टू ए, तो एम वन प्लस एम टू कट जाएगा तो एक्सलरेशन कितना आ गया आपका जी साइन थीटा, ठीक है। अब आपने मान लो इस एम वन को सिस्टम लिया आप, ठीक है, तो अब आपका अब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो इंडिविजुअल सिस्टम लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस से आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट सरफेस पे जाके पुश करेंगे, ठीक है ना। हमेशा ऐसे देखते हैं नॉर्मल फोर्स, आप कॉन्टेक्ट सरफेस पे जाके सिस्टम को धक्का मारेंगे बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गए इस पर और इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे जाके ये सिस्टम को एम वन को क्या करेगा पुश करेगा, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आप लिखो इसका एफ इक्वल्स टू एम ए, एम वन जी साइन थीटा इधर है, ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हो उसका, तो एन प्लस एम वन जी साइन थीटा इक्वल टू एम वन इंटू एक्सेलरेशन, देखो अपने आप नॉर्मल फोर्स क्या आ रहा है जीरो, ठीक है, अपने आप नॉर्मल फोर्स क्या आ रहा है जीरो निकल के। तो मैं इसका आपको कॉज और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप देखो नॉर्मल रिएक्शन हटा के करो उसको एक बार, नॉर्मल रिएक्शन हटा के दोनों का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा नहीं आएगा क्या, बताइए। नॉर्मल रिएक्शन हटा दो बीच में तो आपको अपने आप ही पता है ना एम वन जी साइन थीटा इस पे लगेगा एम टू जी साइन थीटा इस पे लगेगा, तो दोनों के एक्सलरेशन कितने आ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन हटा के, जी साइन थीटा ही तो आ रहे हैं दोनों, दोनों के एक्सलरेशन डाउन द इंक्लाइन जी साइन थीटा ही तो आ रहे हैं। हार्दिक क्लियर है? अच्छा हार्दिक आप बहुत लेट आए हो, इतने कॉल किए मैंने बेटा लेकिन आप बहुत लेट आया,
तो आपके टेंशन फोर्स स्प्रिंग फोर्स निकल गया है, ठीक है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, अपना टाइम मैनेज करेंगे। आ रही है हार्दिक, आपको आवाज आ रही है कि नहीं पहले बताइए, मैं फालतू बोल रहा हूँ। हार्दिक गहलोत, आवाज आ रही है बेटा आपको? Yes. हाँ, तो आप थोड़ा सा टाइम लेट उठे आज, लेट कैसे हो गए आप? हाँ, तो आप थोड़ा सा रूटीन बनाइए, नहीं तो 12th पास वाले बच्चों के साथ मेजर इश्यूज देखे गए पिछले कई सालों में। इनका रूटीन ये होता है 11-11 बजे उठते हैं, सुबह क्लासेस नहीं होती है, ठीक है। सुबह अगर क्लासेस नहीं होती है तो इसलिए हम हमेशा इनके 8 या 9 से हमेशा क्लास रखी है हमने, ठीक है। हम शाम को क्लास नहीं करते, तो आप बिल्कुल बेटा रूटीन से जैसे स्कूल के लिए नहीं रहते थे रेगुलर, वैसे रेगुलर होकर 8 बजे ज्वाइन करें, ठीक है। नहीं तो सारा रूटीन बिगड़ जाता है, एग्जाम सुबह ही देना, आपको मानिए इस बात को। ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं कि आपको 2 साल बाद एग्जाम, 6 महीने बाद एग्जाम है आपका ये, ठीक है ना, केवल 6 मंथ है, ठीक है। तो आपका जी साइन थीटा इधर है, जी साइन थीटा इधर है, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं आप कितना सीख रहे हो। अभी ये देखो, आप ये क्वेश्चन सुन लिया आपने हार्दिक, क्वेश्चन सुन लिया था या जस्ट ज्वाइन किया आपने? अच्छा, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम से आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका ये जी साइन थीटा इधर है, जी साइन थीटा इधर है, दोनों का एक्सलरेशन जी साइन थीटा है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इनका, अब मैं कह रहा था कि अब बताओ पीछे वाले को जल्दी है क्या बेटा, क्यों धक्का मारेगा? दोनों का एक्सलरेशन जी साइन थीटा आ रहा है तो किसी को जल्दी नहीं, ठीक है। अगर पीछे वाले को नीचे उतरने की जल्दी होती तो वो इसको धक्का मारता, दोनों का एक्सलरेशन नॉर्मल रिएक्शन हटाते हुए जी साइन थीटा है तो क्यों एक दूसरे को धक्का मारेंगे बेटा, ठीक है ना। वही वाली बात है, अब ये बॉल इसको जबरदस्ती धक्का मारेगी क्या? नहीं मारेगी ना, कब मारेगी? जब यहाँ से फोर्स लग, जब इसको जल्दी होगी नॉर्मल रिएक्शन हटा के, इसका एक्सलरेशन ज्यादा आ रहा होगा इससे, तब ये धक्का मारेगा। तो वो किससे कंट्रोल होगा, वो बात हम फ्रिक्शन में कर पाएंगे, या हम एक का फ्रिक्शन कम कर देंगे, दूसरे का ज्यादा कर देंगे, तो बिना नॉर्मल के फोर्स के इसका एक्सलरेशन ज्यादा होगा तो इसको धक्का मारेगा। ठीक है, तो आपका फिर धक्का मारेगा, ये भी। तो दोनों के एक्सलरेशन जी साइन थीटा आ जाएंगे तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा बेटा, इसलिए वो जीरो आ रहा है, मैंने दिखा भी दिया आपको एफ इक्वल टू एम एस, ठीक है। किसी का कोई कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पे, प्रथम आप बताइए आपको सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, या क्लियरिटी आपको इस पर? सर क्लियर है, मैंने आंसर भेज दिया था। हाँ वेरी गुड, नहीं मैं पता आपने कर दिया था।